हेलो दोस्तों मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक एग्जाम के लिए सिलेबस और स्कीम जारी किया है एग्जाम की डेट हालांकि पहले से ही जारी हो चुकी है जो तो कि हमारी 28 और 29 जून उन्होंने अनाउंस की है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के स्कीम सिलेबस के बारे में डेट आपको ऑलरेडी जारी की गई है तो हमें इस एग्जाम की स्कीम और सिलेबस जारी हो गया है तो हमें किस तरीके से एग्जाम की स्ट्रेटेजी डेवलप करके एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं तो एपेक्स क्लासेस आपके लिए क्या लेकर आया है स्पेशल एग्जाम की तैयारी के लिए तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लोकेश नायक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं स्वागत है आपका आज आपका जन्मदिन है बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाइया लोकेश नायक स्वागत है आपका तो स्टूडेंट बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक का जो हमारा स्कीम और सिलेबस आया है तो किस किस तरीके से हमारा इसमें साइंस वालों के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं ज्योग्राफी वालों के लिए नया सिलेबस जारी हुआ है होम साइंस वालों के लिए भी नया सिलेबस जारी हुआ है तो इस पूरे के पूरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में स्कीम के बारे में किस तरीके से हमारा सिलेबस और स्कीम है बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले हम साइंस वालों के लिए विज्ञान जो हमारा विषय है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर स्टूडेंट स्कीम में क्या बताया गया है कि दो पेपर होने वाले हैं पहले हमारा इसमें एक ही पेपर होना था अब की बार इन्होंने दो पेपर कर दिया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट हमारा जनरल स्टडीज से होगा जिसके अंदर हम राजस्थान का हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर पढ़ने वाले हैं जैसा कि आपको यह बताया गया है ठीक है साथ ही साथ इसमें राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो भी इस बार मेंशन किया है और विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है जनरल नॉलेज है वो भी इसमें मैंशन किया गया है एक और पार्ट इसमेंशन इसमें किया हुआ है शैक्षणिक मनोविज्ञान एजुकेशनल फिजियोलॉजी साइकोलॉजी पूरा का पूरा पेपर हमारा टू हंड्रेड मार्क्स का होगा जिसमें हंड्रेड क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक क्वेश्चन हमारा टू मार्क्स का होने वाला है दो नंबर का होने वाला है तो टोटल इस तरीके से टू हंड्रेड मार्क्स का होगा और दो घंटे का हमारा पेपर ये होने वाला है सेम डे पेपर होगा स्टूडेंट दूसरा पेपर हमारा पेपर सेकेंड होने वाला है जो कि हमारा साइंस स्ट्रीम का होने वाला है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं साथ ही साथ में स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा टेंथ तक का जो जनरल साइंस है वो भी इस बार मेंशन किया हुआ है Again, ये पेपर हमारा कितने मार्क्स का होने वाला है 200 मार्क्स का होगा और टोटल इसमें हंड्रेड क्वेश्चन आने वाले हैं अगर बात करता हूं मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में तो हर एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा टू मार्क्स का होगा तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पेपर सेकंड पेपर हमारा टू हंड्रेड मार्क्स का होने वाला है सेम डे पेपर होगा स्टूडेंट ये भी हमारा टू अवर का होने वाला है दो घंटे का होने वाला है तो मतलब टोटल हमारा टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा टोटल हमारा मार्क्स कितने हो रहे हैं फोर हंड्रेड हमारे यहां पर मार्क्स होने वाले हैं ठीक है तो मूव करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ आ, इसका जो डिटेल सिलेबस है डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं देखिए अगर हम बात करते हैं कि मीनस इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे मिनिमम इसमें 40 परसेंट आपको नंबर लेके आना है और साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव मार्किंग के लिए तो इसमें वन बाई थर्ड का हमारा नेगेटिव मार्किंग किया जाने वाला है नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है अगर हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में तो अगर मैं पेपर वन के बारे में बात करता हूं तो आपका राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक व सामान्य ज्ञान होने वाला है जिसमें हम हिस्ट्री कल्चर और सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे अगर हम बात करते हैं इसके जो सेकंड पार्ट के बारे में तो सेकंड पार्ट में हमारा जियोग्राफी आने वाला है जिसमें हमारा स्थिति विस्तार नदियां पहाड़ जितने भी हमारा सिलेबस इसमें है ये इस तरीके से आपका सिलेबस में मेंशन है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं देखिए नेक्स्ट इसमें इन्होंने नई चीज क्या डाली है राजस्थान के समसामयिक मामले जो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है वो इसमें आपसे पूछी जाने वाली है और विश्व भारत

फिजिक्स के अंदर हमारा इलेवंथ और ट्वेल्थ के अंदर क्या क्या दिया हुआ है तो बात करते हैं फर्स्ट इलेवंथ वाले पार्ट के अंदर तो इसमें हमारा दृढ़ पिंड गति की दिया हुआ है रिजिट बॉडी मोशन दिया हुआ है सेकेंड हमारा इसमें थर्मोडाइनेमिक्स उषमा गति के बारे में दिया गया है उष्मा गति में भी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है पढ़ना है इसमें क्या क्या दिया हुआ है सिर्फ हमारा जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है उसके बारे में बोला गया है साथ ही साथ में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछा गया है अगर हम बात करते हैं इलेवंथ के और टॉपिक के बारे में तो इसके अंदर हमारा ऑसिलेशन दोलन के बारे में और वेव के बारे में मीन्स जो हमारी दोलन है दोलन गति क्या होती है तरंगी क्या होती है इनका बेसिक एलिमेंट्री आइडिया हमें यहां से पूछा गया है मूव करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ तो आगे और इस सिलेबस में अगर मैं बात करता हूं ट्वेल्थ से रिलेटेड तो ट्वेल्थ से रिलेटेड इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर के बारे में पूछा गया है जिसमें हम कुलाम का नियम विद्युत क्षेत्र और जो हमारा ये गॉस गौ है गॉस के नियम है इनके बारे में पूछा गया है अगर बात करते हैं ट्वेल्थ के दूसरे चैप्टर के बारे में तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के पूछ बारे में पूछा गया है जिसमें हम किरचोफ का नियम पढ़ते हैं और जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक हमारा मीटर ब्रिज हो गया पोटेंशियोमीटर हो गया और विथ स्टोन ब्रिज हो गया ये आपका बाई नेम सिलेबस में गिवन है, तो यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं अगर मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स के बारे में कि इसमें सिलेबस में ऑप्टिक्स में दिया हुआ है तो सिलेबस में हमारे को क्या क्या पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ना है इसके बाद में जो हमारा वेव नेचर होता है लाइट का जिसमें हम इंटरफियर के बारे में पढ़ते हैं मतलब विवर्तन एवं इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो यह हमारा सिलेबस दिया गया है ऑप्टिक्स से इसके बाद में अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करता हूं तो एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर कंडक्टर फिजिक्स हमसे पूछा गया है तो यह सारा का सारा हमारा फिजिक्स का सिलेबस था इसी तरीके से हमारा जो ट्वेल्थ लेवल का जो केमिस्ट्री है जो हम इलेवन ट्वेल्थ के अंदर पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री आपको यहां पर इस तरीके से डिटेल सिलेबस में आपको दिया गया है ठीक है बात करते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी वालों के लिए क्या दिया गया है इसके अंदर अगेन ज्योग्राफी वालों का सिलेबस हमारा थोड़ा सा स्कीम इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ज्योग्राफी के लिए स्कीम हमारा चेंजेस है ज्योग्राफी के लिए क्या दिया गया है ज्योग्राफी के लिए जो हमारा साइंस uh, का जो पुराना पैटर्न है वो पुराना पैटर्न ही रखा गया है इसके अंदर हमारा 300 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होने वाले हैं थ्री हंड्रेड वन इसके अंदर होने वाले हैं कुल अंक हमारा कितना रहेगा 300 मतलब इसमें 100 नंबर का तो हमारा क्या रहेगा पार्ट वन रहने वाला है और पार्ट सेकेंड हमारा क्या रहने वाला है पार्ट सेकेंड के अंदर हमारा इसमें रहेगा टू मार्क्स का जियोग्राफी टोटल ही हमारा थ्री ओवर का पेपर होने वाला है

होम साइंस के बारे में के means home science में हमें क्या दिया गया इसके अंदर तो आपका सिलेबस के अंदर अगर हम बात करते हैं होम साइंस के स्कीम के बारे में तो अगेन इसमें भी हमारा थ्री ओवर का एक सिंगल पेपर होगा जिसमें टू पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है पार्ट ए और भाग बे के अंदर भाग ए के अंदर हमें राजस्थान का अगेन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वगैरह इसके बारे में पूछिए ये मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में तो होम साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वहां टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर यहां पर आने वाला है ओवरऑल मार्क्स का आवर के लिए ये सिलेबस हमारा इस दिया गया है एग्जाम की डेट स्टूडेंट अट्ठाईस और उन्तीस जूनो इन्होंने अनाउंस की है अभी हमारे पास में सिक्सटी फाइव डेज सफिश डेज है तो अपेक्स क्लासेज आपके लिए लेकर आए हैं ऑफलाइन बेचेस जिनमें आपको विषय विशे विशेषज्ञों के द्वारा लगातार नियमित कक्षाओं के द्वारा पढ़ाया जा रहा है जिसमें सारे के सारे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको अच्छे से इसमें डिटेल में स्टडी करवाने वाले हैं तो आप नीचे दिए गए हमारे जो कॉल नंबर है उस पर आप विजिट कर सकते हो या फिर एपेक्स क्लासेस आके इंस्टीट्यूट आके एक बार विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हो तो ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू